बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। राजधानी पटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने एक हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ करने में जुटी है। पूरा मामला राजधानी के अगमकुआं थाना क्षेत्र का है, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने हथियारों के जखीरे समेत एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अगमकुआं थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड के बाद तस्कर को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अमित रंजन ने बताया कि पटना पुलिस और एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं और उसे कोलकाता से बस द्वारा पटना लाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने बैरिया बस स्टैंड पहुंचकर हथियार समेत एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर के पास से अर्धनिर्मित पिस्टल का बैरल 25 पीस, स्लाइडर 25 पीस, बॉडी 25 पीस, नगद रुपए समेत एक मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी बिहार के जमुई का रहने वाला मोहम्मद तौशिफ आलम है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ करने में जुटी है। पटना पुलिस एवं एसटीएफ को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पटना के बाहर से अपराधी आर्म्स की तस्करी कर रहे हैं, ये कोलकाता इत्यादि जगहों से आर्म्स को लाते हैं। तो इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी एसटीएफ के द्वारा, और पटना पुलिस भी सजग सतर्क तरीके से निगरानी कर रही थी बैरिया बस स्टैंड की। तो 11 तारीख को सूचना मिली अगमकुआं थाने को, और फिर उस सूचना के अनुसार हमने कार्रवाई की। आर्म्स तस्कर झोले में लेकर कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहा था, जो अर्धनिर्मित आर्म्स हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको, और पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेकर आ रहे थे, और इनका नाम है मोहम्मद तौशीफ आलम, और ये कोलकाता के बाबू घाट बस स्टैंड से आर्म्स को लेकर आ रहे थे बस से। और ये लेके तो पटना में ही आ रहे थे, हमने पटना में इंटरसेप्ट किया है, और ये लेके आ रहे थे। सर ये हथियार का जखीरा करते क्या करते? ये एहसान करके एक आदमी है जो मुंगेर जिला के रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने कोलकाता से हथियार लिया, और मोहम्मद एतवारी करके एक इंसान है जिनको इनको पटना में देना था। तो इसी बीच इस क्रम में ये पकड़े गए हैं। तो जो दो लोग का नाम इन्होंने बताया उसके ऊपर जाँच की जाएगी, और फिर आगे की चीज़ें सामने आएंगी। क्या कुछ बरामद हुआ है? इसमें 25 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं, उसके अलग अलग पीसेज हैं, बैरल है, स्लाइडर है, बॉडी है, एक मोबाइल बरामद हुआ है, 850 रुपये हैं, और कोलकाता से पटना आने का एक बस टिकट है। ये पहले भी 302 के मर्डर अक्यूज है, और उसमें जेल जा चुका है, और ये मोहम्मद एतवारी से इसने अर्धनिर्मित ये हथियार लिए थे कोलकाता से, और ये एतवारी को देने आ रहा था। यहाँ कहाँ का रहने वाला था? ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, कहाँ से कलकत्ता से वो हथियार लाते थे, किसको डिलीवर करते थे, और कितने दिनों से ये कारोबार करता था? अब इसकी तो पुष्टि हम लोग जाँच के बाद ही कर सकते हैं। जो ये बाकी दो अक्यूज्ड हैं एतवारी और एहसान, जब ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन सरगना में हैं, और ये मुझे लगता है इसको यूज़ कर रहे थे, इसको भी पूरी जानकारी अभी तक जो हमें जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं है, बस इसको इन दोनों का नाम पता है। बाकी आगे की जांच में पता चलेगा जब ये लोग पकड़े जाएंगे कि आगे ये लोग किस तरीके से इस गिरोह को चला रहे थे। अभी तो जाँच में जो पता चला है इसके हिसाब से कुछ 7-8 हज़ार रुपये इसी तरीके से इनको पैसा दिया जाता था, और मुझे लगता है जो ये अपराध कर रहे हैं इसमें ये अलग अलग लोगों का यूज़ करते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। तो इस बार इंटेल हमको मिली।